ॐ श्री हनुमते नमः। पंचमुखी हनुमान कवच से मनुष्य के सारे कष्ट दूर होते हैं। इसके नियमित पाठ से मनुष्य सब परिवार निरोगी सुखी व संपन्न रहता है। श्री गरुड़ उवाच। अथ ध्यानं प्रवक्ष्यामि शृणु सर्वांग सुंदरी। यत्कृतं देवदेवेन ध्यानं हनुमतः प्रियं पंचवक्त्रं महाभीमं त्रिपंच नयनैर्युतं बाहुभिर्दशभिर्युक्तं सर्वकामार्थ सिद्धिदं पूर्वं तु वानरं वक्त्रं कोटि सूर्य समप्रभं दंष्टा करालवदनं भ्रकुटि कुटिलेक्षणं अस्यैव दक्षिणं वक्त्रं नारसिंहं महाद्भुतं अत्युग्रतेजो वपुषं भीषणं भयनाशनं पश्चिमं गारुणं वक्त्रं वक्रतुण्डं महाबलं सर्वनागप्रशमनं विषभूतादिक्रन्तनं उत्तरं सौकरं वक्त्रं कृष्णं दीप्तं नभोपमं पातालसिंहवेतालज्वररोगादिक्रन्तनं ऊर्ध्वं हयाननं घोरं दानवान्तकरं परं येन वक्त्रेण विप्रेन्द्र तारकाख्यं महासुरं जघान शरणं तत्स्यात् सर्वशत्रुहरं परं ध्यात्वा पंचमुखं रुद्रं हनुमन्तं दयानिधिं खड्गं त्रिशूलं कटवांगं पाशमंकुशपर्वतं मुष्टिं कौमोदिकीं वृक्षं धारयन्तं कमण्डलं भिन्दिपालं ज्ञानमुद्रां दशभिर्मुनिपुङ्गवम् एतान्यायुधजालानि धारयन्तं भजाम्यहं प्रेतासनोपविष्टं तं सर्वाभरणभूषितं दिव्यमाल्याम्बरधरं दिव्यगन्धानुलेपनं सर्वाश्चर्मयं देवं हनुमद्विश्वतोमुखं पञ्चास्यमच्युतमनेकविचित्रवर्णवक्त्रं शशाङ्कशिखिरं कपिराजवर्यं पीताम्बरादिमुकुटैरूपशोभिताङ्गं पिङ्गाक्षमाद्यमनिशं मनसा स्मरामि मर्कटेशं महोत्साहं सर्वशत्रुहरं परं शत्रुसंहारं मां रक्ष श्रीमन्नापद्मुद्दरा। ॐ हरिमर्कट मर्कट मंत्रमिदं परिलिख्यति लिख्यति वाम तले यदि नश्यति नश्यति शत्रुकुलं यदि मुञ्चति मुञ्चति वाम लता। इदं कवचं पठित्वा तु महाकवचं पठेन्नरः एकवारं जपेति स्तोत्रं सर्वशत्रुनिवारणं द्विवारं तु पठेन्नित्यं पुत्रपौत्र प्रवर्धनं त्रिवारं च पठेन्नित्यं सर्वसंपत्करं शुभं चतुर्वारं पठेन्नित्यं सर्वरोगनिवारणं पञ्चवारं पठेन्नित्यं सर्वलोकवशंकरं षड्वारं च पठेन्नित्यं सर्वदेववशंकरं सप्तवारं पठेन्नित्यं सर्वसौभाग्यदायकं अष्टवारं पठेन्नित्यं इष्टकामार्थसिद्धिदं नववारं पठेन्नित्यं राजभोगवाप्नुयात् दशवारं पठेन्नित्यं त्रैलोक्यज्ञानदर्शनं रुद्रावृत्तिं पठेन्नित्यं सर्वसिद्धिर्भवेद्ध्रुवम् निर्बलो रोगयुक्तश्च महाव्याधादिपीडिता कवच स्मरणेनैव महाबलं वाप्नुयात्। इति श्री सुदर्शन संहितायां श्रीरामचंद्र सीता प्रोक्तं श्री पंचमुख हनुमत कवचं संपूर्णम्।